नमस्कार। जैसा कि एक मित्र ने प्रश्न किया है चाइना में योगा टीचर के बारे में कि हम कैसे आएं, कैसे एजेंट को ढूंढें, क्या करें क्या नहीं करें, तो उसी पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से यहां पहुंच सकते हैं और किस तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आपको लटकाने वाले तरीके से नहीं बताऊंगा, साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में साफ साफ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका कई नॉलेज बढ़ेगा और कई जगह आप कई गलती करने से बच जाएंगे। देखिए, चाइना एक बहुत ही सुरक्षित राष्ट्र है और चाइना नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी आप ऐसे एक्टिविटी करे जो देश के लिए नुकसानदायक हो। तो पहले तो यहाँ कोई इस तरीके के एजेंट सिस्टम नहीं है, जैसे कि आपको टूर एंड ट्रेवल सिस्टम मिलता है कि हाँ भाई आपको दुबई जाना है तो आप टूर एंड ट्रेवल्स वाली दुकान पे जाएं और अपना टिकट बुक करवा दीजिए और घूमिए फिरिए ऐश करिए। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं मिलता आपको जॉब के मामले में। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो जाती है 13-14 साल की करीबन। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ ऐसा काम न करें अगर आप कुछ करते हैं तो। और दूसरा, अगर आप आने वाले हैं तो इस तरीके से एजेंट नहीं मिलते हैं। देखिए, दो तरीके हैं, एक तो आपकी जान पहचान और दूसरा होता है एजेंट। जान पहचान कैसे? जैसे कि आपका कोई भी एक दोस्त यहाँ पे काम करता है और उस दोस्त के पास में कोई जानकारी आई कि उनको एक रिक्वायरमेंट है किसी टीचर की, तो फिर उन्होंने अपने दोस्त से बात हुई। दो दोस्त, जैसे मानो कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे दोस्त के पास कोई रिक्वायरमेंट है, आपने मुझे बोला कि भैया हमें लगाना है, हमें भी चाइना आना है, तो मैंने जैसे रिक्वायरमेंट आई दोस्त के पास तो मैंने बता दिया आपको, आपकी और उनकी बात हो गई। और आपका जो एजेंट के सिस्टम से, जिस तरीके से क्या होता है कि कई तरीके से एजेंट सिस्टम होता है, एजेंट में आपको पैसा पे करना पड़ता है, आपको यहाँ से वर्क वीज़ा मिलता है उसके लिए। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि आप आओ यहाँ पे मगर सुरक्षित रूप से आओ, तो ये काम सही है। फिर क्या होता है, कई गलतियाँ ये होती है कि एजेंट क्या करते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा मांगते हैं आपसे, जैसे लगभग 1,00,000 रुपए, ये तो नॉर्मल प्राइस है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई मांगता है तो वो थोड़ा आपको समझना चाहिए कि हाँ ये नेगोशिएबल है और कम किया जा सकता है। लगभग 1 सैलरी या 2 सैलरी के करीबन का पैसा आपसे ले सकते हैं, ये एक रीजनेबल प्राइस है। और क्या होता है, जो दूसरे टाइप के जो एजेंट्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, जैसे कि बहुत सारे उनके मित्र यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कई सालों से कर रहे होते हैं, तो आप देखिए क्या होता है कि यहाँ से आप वहाँ डील करो, ऐसा थोड़ा लगभग गलत सा महसूस होता है और उनको लगता है कि हाँ यार पता नहीं पैसा देगा या नहीं देगा। तो इंडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जिनके यहाँ अच्छे लिंक होते हैं, तो वो अपने पोस्ट डालते रहते हैं फेसबुक पे कि हमें एक योगा टीचर की रिक्वायरमेंट है वियतनाम के लिए, आपके दुबई के लिए, आपके रशिया के लिए, या फिर जापान, चाइना, कोरिया, किसी भी कंट्री के लिए अगर आपको किसी योगा टीचर की ज़रूरत है तो वो उस पर पोस्ट डालते हैं। तो वो लोग जैसे ही वहाँ पे पोस्ट डालते हैं तो आपको फेसबुक और यूट्यूब इन जैसी चीज़ों से अपडेट रहना होता है। तो उसके अपडेट होने के बाद में आप जब भी कहीं पे पोस्ट पाते हैं कि हाँ ये टीचर की रिक्वायरमेंट आई है, तो आप उनसे बात करें और उनसे बोलिए कि ये मेरा रिज्यूम है, रिज्यूम में देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है उसको जरूर मेंशन कीजिए। एक तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन कीजिए, अच्छे से लिखिए कि कहाँ आपने क्या किया। पार्ट टाइम जो जॉब किया है उसका यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं है, आपका जो पार्ट टाइम जॉब है उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। फुल टाइम जो जॉब है उसमें 2 ईयर्स कम से कम होने चाहिए, 2 साल आपने काम किया है तभी आपका यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है उस ऑफिस में आपका वर्क है जो वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा, अदरवाइज उसे एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ है उसको बढ़िया से लिखिए, जो भी टाइम टू टाइम सारा चीज़ अपडेट करना है वो रिज्यूम में आपका पासपोर्ट लिखा होना चाहिए, पासपोर्ट का मतलब पासपोर्ट नंबर जो है वो जरूर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका नाम सही लिखा होना चाहिए बढ़िया अक्षरों में सही तरीके से। और क्या है कि इसके साथ में आपका जो इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वो भी अच्छे से लिखे होने चाहिए, ताकि कॉन्टेक्ट जो होता है, अगर आप चाइना आना चाहते हैं तो वीचैट नाम की जो एप्लीकेशन है वो तो जरूर मेंशन कीजिए, और चाइना के लिए आप अगर कहीं रिज्यूम भेजते हो तो उसमें वीचैट की जो आपकी आईडी है
वो मेंशन करके अपने रिज्यूम में भेजिए ताकि आप पे वीचैट से वीचैट पे कांटेक्ट किया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको जरूर अपने रिज्यूम में ध्यान दीजिए, अपना एक्सपीरियंस सही से लिखिए और जो बायोडाटा है उसमें वीचैट की आईडी, अपने कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि यहाँ दोस्तों देखिए गूगल बैन है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप बैन है, फेसबुक बैन है, तो जो जो चीजें वहाँ चलती है वो सारी चीजें यहाँ नहीं चलती। तो चलने का एक माध्यम वो है वीचैट, और वीचैट क्या इंडिया में चल सकता है लेकिन यहाँ भी चल सकता है, यहाँ का तो वो बहुत जरूरी चीज है। व्हाट्सएप इंडिया में चल सकता है लेकिन यहाँ नहीं चल सकता, तो उस चीज को जरूर ध्यान में दीजिए। तो जैसे ही आपके टीचर या आपके जो जानकार हैं जो भी हैं जो जब पोस्ट डालते हैं अपने फेसबुक पे, तो आपको अपडेट रहना होता है और उनसे आप अपना कॉन्टेक्ट कीजिए और आप उनके थ्रू यहाँ आ सकते हैं। डायरेक्ट आने के चक्कर में क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई लोग आते हैं उनको कंपनी बोलती है हम आपको नहीं जानते, तो नहीं जानते के चक्कर में वो कहते हैं हम आपको 3 महीने का आपको देंगे वीजा बिजनेस, उस पे आप आइए, हम 3 महीने आपको देखेंगे और उसके बाद में आप अच्छे रहे तो हम आपको वर्क वीजा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आती है जब आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ये जो कॉन्टेक्ट आपने किया किसी भी तरीके से पहुंच गए, लेकिन यहाँ बिजनेस वीजा पे आने की पाबंदियां बहुत सारी है दोस्तों, कभी भी मत आइए बिजनेस वीजा पे अगर आप वर्किंग करने के लिए आ रहे हैं, पकड़े जाओगे क्योंकि यहाँ बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन रहता है, आप कुछ भी कैसे भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ये अपने भारत की तरह यहाँ नहीं चलता है कि कोई भी आया कैसे भी गया कैसे भी चल दिया, तो यहाँ हर चीज मॉनिटर होती है, 15 लोगों पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, आपकी हर हरकत एक कैमरे में कैद होती है और फेस डिटेक्टर होते हैं, और आप कहीं भी जाते हो और किसी ने आपके लिए वर्क के बारे में बता दिया है तो उसके बताने वाले की जो चीज है वो गोपनीय रखी जाती है, लेकिन आप पे बहुत अच्छा पला फाइन लग सकता है और साथ ही साथ में आपको जेल जैसे दर्शन भी हो सकते हैं। तो मित्रों कभी भी मत आइए बिजनेस वीजा पे चाइना स्पेशली, आइए तो वर्क वीजा पे आइए अगर आप काम करने आ रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना सारा चीज मेंशन कीजिए और चाइना के लिए आप आ सकते हैं। तो चाइना वैसे बहुत अच्छी जगह है और यहाँ सारा चीज सिस्टम से होता है कि ऐसा कि ये रूल है तो ये रूल है इसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आप उसको फॉलो बिना किए कुछ कर सकते हैं, फॉलो करना होगा, चाहे आप इंडियन है चाहे आप अमेरिकन है चाहे जापानीज है चाहे चाइनीज है, सबके लिए सेम रूल है, सेम फॉलो करना पड़ेगा। आपकी हेल्प करने को लोग पुलिस बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, लेकिन आप कहीं गलत है तो आपका फाइन और उसमें आपको बक्सा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप चाइना आ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई चीज़ आप और पूछना चाहते हैं आपके मन में कुछ रह गया है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब भी देंगे और उस पर वीडियो भी बना देंगे अगर वीडियो बनाने वाली चीज हुई तो। दूसरे आपके जो मित्र है जो योगा से रिलेटेड है और वो चाइना आना चाहते हैं या फिर किसी विदेश जाना चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही आपको दुबई के बारे में बताने वाला था, उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आने वाला है, तो कुछ वहाँ के वीडियो भी आपके लिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में मैं आपको जल्दी धीरे धीरे दिखाने वाला हूँ। कुछ छुट्टियाँ थी पिछले दिनों तो नेशनल डे के हॉलीडे की वजह से मैं बाहर चला गया था घूमने के लिए, तो आपको वीडियो नहीं दे पाया था, एक मित्र नाराज भी हो गए इस वीडियो के लिए, तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे दोस्त। और करिए लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले, सब्सक्रिप्शन से हमें और उत्साह बनता है हमारा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, भारत माता की जय।